हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करने जा रहे हैं या बिजनेस को स्टार्ट कर दिए हैं या बिजनेस को स्टार्ट किए हुए काफी साल हो गए, ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और ज्यादातर लोग हमारी वीडियो को वही देखते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या बहुत ही जल्द बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। और जैसे कि आपने पढ़ा थंबनेल पे कि पहले बिजनेस को जमाना है फिर बिजनेस से कमाना है, तो कैसे बिजनेस आप जमाएंगे और फिर बिजनेस से कैसे कमाएंगे? क्योंकि दोस्तों, पहली चीज तो कोई आप बिजनेस करने जा रहे हैं मार्केट में, तो कोई ऐसा बिजनेस तो आप करने जा रहे नहीं है कि जो पूरे दुनिया में आप ही करें या अपने क्षेत्र में आप ही का हो, ठीक है। लोग पहले से उस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, कपड़े का हो सकता है, किराने का हो सकता है, चप्पल जूते का हो सकता है, कोई फास्ट फूड का हो सकता है, ठीक है, कॉस्मेटिक का हो सकता है, फल की दुकान हो सकती है, सब्जी की दुकान हो सकती है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई आप काम करने जा रहे नहीं जा रहे हैं या कोई ऐसी दुकान तो खोलने नहीं जा रहे हैं जो एकदम यूनिक हो, पहले से कोई ना हो। अगर ऐसा है तब तो ठीक है यार, पहले दिन से आप कमाओ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप नया काम नहीं कर रहे हो, पहले से लोग करके कमा रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं नए, तो सबसे ज्यादा चिंता यही रहती है यार हमको कमाना है, ठीक है। कमाने के लिए जाहिर सी बात है, आप बिजनेस में पूंजी लगा रहे हैं तो कमाने के लिए लगा रहे हैं और कमाना ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म तक कमाना है कि सिर्फ कुछ साल तक कमाना है, इसके बाद भाग जाना है, ठीक है, या इसके बाद बिजनेस को चौपट करना है, तो ये आप डिसाइड करिए। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा लोगों का आंसर यही होगा कि हमें लॉन्ग टर्म तक पैसे कमाने हैं। कैसे कमाएंगे? जब बिजनेस को जमाएंगे तभी तो बिजनेस से पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है दोस्तों, जब हम कोई यूनिक नहीं काम करने जा रहे हैं, वही पुराने बिजनेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे जमाएं? ईमानदारी पहली चीज बिजनेस में बहुत जरूरी है। दूसरा, सही प्राइस, ठीक है, अच्छी प्राइस। हो सकता है आप 10 रुपए में से 2 रुपए कमा रहे हो, तो 1 ही रुपए शुरुआत में कमाइए, क्योंकि आपको बिजनेस जमाना है दोस्तों, ठीक है। आप 8 घंटे सोच रहे थे, आप 10 घंटे दुकान पर बैठिए, क्योंकि आपको बिजनेस जमाना है, समझिए बात, पहले जमाना है, ठीक है। कस्टमर को अच्छी सर्विस दीजिए, वो काम करिए जो अगला, मतलब आप ही की तरह काम करने वाला सर्विस नहीं दे पा रहा है, कुछ इस तरीके का सर्विस दीजिए कस्टमर को, क्योंकि आपको बिजनेस जमाना है, समझिए बात, ठीक है। ये सारा काम अगर आपने कर लिया तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके यहां से सामान लेना चाहेंगे। और फिर जब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे सामान लेना चाहेंगे, फिर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगी, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा कम प्रॉफिट पे काम करिए, क्योंकि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, वही कर रहे हो जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, बात समझिएगा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने कर लिया, बिजनेस आपका जम गया, तो फिर आपको कमाना है, ठीक है। यानी कि बिजनेस जम गया, धंधा जम गया, अब आप धंधे से कमाओगे, लॉन्ग टर्म तक कमाओगे, ठीक है, तब आपको मजा आएगा दोस्तों। धंधे में पूंजी लगती है, समय लगती है, मेहनत लगती है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, थोड़ा मतलब कि समय नहीं दे पाते हैं, नाथ रिश्तेदार न्योता, मतलब शादी ब्याह हर जगह हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, घूमने में कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत टफ होता है बिजनेस करना दोस्तों, दुकान खोल के बैठना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, वो सारे काम जो दुनियादारी से हम खींच के अलग करते हैं, ठीक है, तब हम पैसे कमाते हैं। तो उसको सजोइए कि इतना अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम एक चीज तो आपको मिले, वो मिले पैसा, जिससे आप सारी चीजें, आप जो भी आपको लेना है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपको जिंदगी में करना है, वो सारी चीजें आप कर सकें, ठीक है। वो तब होगा जब बिजनेस को आपको जमा लेंगे, और तब आप बिजनेस से कमाएंगे, और तब आपको आएगा मजा। अब वीडियो में आ गया मजा तो लाइक करिए, और ज्यादा मजा आ गया तो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि इस तरीके की और भी वीडियो बनाइए, ताकि आग लगे हमें काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए, नमस्कार।